बलरामपुर सांसद मोहम्मद आजम खान के स्वास्थ्य और रिहाई की अजमेर ख्वाजा की दरगाह पर की गई चादर पोशी और मांगी दुआएं। मिलक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली जोहार यूनिवर्सिटी के संस्थापक और रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान के शीघ्र स्वस्थ होने और जेल से रिहाई के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ में चादर पोशी कर दुआएँ की। सभासद इकरार हुसैन के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचकर सांसद मोहम्मद आजम खान की तबीयत को लेकर चादर पोशी की। साथ ही आजम खान और युवा पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान की रिहाई के लिए दरगाह के खादिम सैयद मोहम्मद तल्ला साबरी ने सभी के साथ मिलकर मोहम्मद आजम खान की सेहत और रिहाई के लिए दुआ कराई। ज्ञात हुए हो कि मोहम्मद आजम खान की हालत कोरोना संक्रमित होने के बाद से बिगड़ गई थी, जिनका इलाज लखनऊ के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। वहीं अब्दुल्ला आजम खान सीतापुर की जेल में बंद है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी और जनता की तरफ से दुआओं का सिलसिला जारी है। आज ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी देकर दुआएँ की। इस मौके पर सभासद इकरार हुसैन, पूर्व प्रधान फैसल अली खान, पूर्व सभासद मोहम्मद अशलम, सभासद यूनुस अंसारी, हाजी सैयद उर रहमान, शाकिर कुरैशी, नन्हे कादरी, शरीफ अहमद सैफी, आज़म कुरैशी, तस्लीम कुरैशी, नाजिम सैफी, राशिद हुसैन, सलीम मोहम्मद, अरमान सैफी आदि थे। रामपुर से रामचंद्र मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABN न्यूज़, बिहार।